नमस्कार, स्वागत है आपका द नेशनल टीवी में। हम बात कर रहे हैं आज की मुख्य खबरों के बारे में। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने मतदान बढ़ाने के लिए निकाला नया तरीका। वोट देने की फोटो भेजने पर मतदाताओं को दिया जाएगा 5,000 रुपए तक का इनाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में आज होगा लंका से दशाश्वमेध घाट तक 6 किलोमीटर लंबा रोड शो। पूर्वी दिल्ली के बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर लगभग 150 करोड़ की संपत्ति के साथ 349 उम्मीदवारों में से सबसे अमीर। बरेली में रामगंगा नदी में स्नान करते वक्त 2 भाइयों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया अभिनेता अक्षय कुमार को नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू। देश भर में इस इंटरव्यू को काफी पसंद किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश बीजेपी प्रमुख सतपाल सिंह सत्ती ने चुनावी सभा संबोधित करते हुए सबके सामने दी धमकी। कहा, हमारे नेताओं की ओर उंगली उठाओगे तो हम बाजू काट कर हाथ में ले लेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के अनुसार उत्तर प्रदेश के रामपुर में मुस्लिम मतदाताओं को नहीं करने दिया मतदान। उनके अनुसार एक दिन पहले डीएम और एसपी ने मुस्लिमों को पीटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित खबर पर कांग्रेस ने अपने ट्विटर पेज पर ट्वीट किया, तुमसे ना हो पाएगा #फेकूमोदी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 2 स्टेशन मास्टरों के पास चिट्ठी द्वारा मिली धमकी। 11 रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को जान से मारने की मिली धमकी। बुधवार को गुड़गांव सीट से 16 उम्मीदवारों ने अंतिम दिन दाखिल किया नामांकन पत्र। नौकरी के नाम पर ठगने वाला रेलवे का सस्पेंडेड कर्मचारी लखनऊ में गुरुवार को किया गया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में गुरुवार को अवैध शराब की फैक्ट्री का पता चलने के बाद हुई मुठभेड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।